नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है वो टॉपिक रिगार्डिंग करता है स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर। स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? पता है जब एक कंपनी में एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर होते हैं ना, तो उनका मोटिव होता है कि सर मैं अपनी कंपनी की फाइनेंशियल को स्प्लिट करना चाहता हूँ, सर मेरी कंपनी का डाटा बहुत लार्ज है, मुझे स्प्लिट कर दो। स्प्लिट का मतलब क्या है कि दो फाइनेंशियल ईयर बना दो मेरे, एक ए नाम का और एक बी नाम का। जैसे ऊपर एक कंपनी का नाम है एडवांस कोर्स, सबसे पहले मैं इस कंपनी के दो फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर देता हूँ। कितने फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर देता हूँ? दो। मैंने यहाँ पासवर्ड डाला, कंपनी पर एंटर मारा, कंपनी ओपन हो गई। देन जैसे ही कंपनी ओपन हुई, मैं आया स्प्लिट चेंज फाइनेंशियल ईयर पे और मैंने क्लिक करा न्यू फाइनेंशियल ईयर। कब का फाइनेंशियल क्रिएट होगा? दिस डेट टू दिस डेट। मैंने एंटर मारा एंड इसको प्रोसीड कर दिया। मेरी कंपनी का बैकअप एक और नया ईयर क्रिएट होना शुरू हो गया। जब भी फाइनेंशियल ईयर क्रिएट होता है, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है उनको ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट करता है। तो आई थिंक अगर डाटा कम होता है तो जल्दी हो जाता है, अगर डाटा लार्ज होता है तो आपका 1 आवर एंड समथिंग और भी लग सकता है, ठीक है ना? तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से इसका यूज करेंगे। क्लियर है? देखिए बस हो जाएगा, क्योंकि डाटा कम है तो टाइम कम लग रहा है इसमें। हो गया, देन इस पे आए हम। अब जब इस कंपनी को आप बंद करके ओपन करेंगे तो आपको दो चीजें यहां दिखेंगी। एक लिखा होगा दिस कंपनी एंड फाइनेंशियल ईयर, कि इस कंपनी में आपकी दो फाइनेंशियल ईयर है, इस कंपनी में दो फाइनेंशियल। मैं चाहता हूं 18-19 अलग हो जाए और 19-20 अलग हो जाए, तो मैं क्या करूंगा? मैं आऊंगा स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर पे। जैसे ही क्लिक करूंगा, सबसे पहले वो पूछेगा कौन सी कंपनी को स्प्लिट करना है। मैंने बोला दिस कंपनी को स्प्लिट करना है, फिर मैं उसका पासवर्ड डालूंगा एंड ओके करूंगा। जैसे ओके करूंगा, मेरे पास एक स्क्रीन आएगी जिस पे लिखा होगा स्प्लिट फाइनेंशियल। कौन सा फाइनेंशियल अलग करना है, 18-19 अलग करना है या 19-20 अलग करना है? मैं चाहता हूं कि मेरी एक कंपनी में दो फाइनेंशियल ईयर रहे। मेरी एक कंपनी में कितने फाइनेंशियल ईयर? दो रहे, और पुरानी वाली कंपनी का ना फाइनेंशियल ईयर अलग हो जाए। मैं किसी डेमो के लिए यूज करना चाहता हूँ डाटा को। मोटिव क्या है दोबारा समझ लीजिए। मोटिव मेरा ये है कि मैं एक कंपनी के ना तो एक फाइनेंशियल ईयर अलग करना चाहता हूँ, लास्ट लास्ट ईयर वाला, और जो दूसरी कंपनी बनेगी या जो कंपनी रह जाएगी उसमें दोनों ईयर हो, मतलब 18-19 भी हो और 19-20 भी हो। देखो मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करा, देखो प्रोसीड विद स्प्लिटिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर दिस एडवांस कोर्स। एंटर मारा, ओके हो गया स्प्लिट। ऊपर आके देखिए, जैसे ही आपने एंटर मारेंगे आपको दो कंपनियां दिखेंगी, एक 18-19 की ये रही और 19-20 की ये रही। दोनों कंपनियां दिखनी दीपक आपको? दीपक हेलो, दीपक जी दिख रही हैं आपको दोनों कंपनियां? हेलो, ललित जी आपको समझ आया? शालू आपको समझ में आया टॉपिक? सर आज ना मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो है, तो बीच बीच में ना वॉइस आ नहीं रही, कट रही है। अच्छा चलो दोबारा बताता हूँ। स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि अगर एक कंपनी में एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर होते हैं
तो उसको स्प्लिट करने के पर्पज से यूज किया जाता है। सपोज करो आप किसी एक ऐसी कंपनी में काम करो जिनका डाटा बहुत लार्ज है, काफी लार्ज है, और वो नेक्स्ट ईयर में गए तो उनको फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने में भी ना बहुत टाइम लग गया। वो चाहते हैं कि मुझे लास्ट ईयर का डाटा अलग हो जाए और इस ईयर का डाटा अलग हो जाए, दोनों कंपनी सेपरेट हो जाए, तो उस केस में आप स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर क्लिक करोगे। जैसे ही आप स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ से एक मैसेज मिलेगा, जिस मैसेज के अंदर ही आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको स्प्लिट करना चाहते हो। जैसे करना चाहते हो उसको स्प्लिट पे क्लिक कर दो, कौन सी कंपनी स्प्लिट करनी है उस कंपनी का नाम टाइप करो, ठीक है ना, इसके राइट्स नहीं है मुझे, मैं इसी कंपनी को ओपन कर लेता हूँ। एंटर मारा, पासवर्ड डीजा मारा, ये कह रहा है कि स्प्लिट, मैंने कहा बिल्कुल, लिखा हुआ आफ्टर स्प्लिटिंग डिलीट अबव फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम सोर्स कंपनी। अगर मैं इस कंपनी पर डिलीट क्लिक करता हूँ तो वो क्या करेगा, दो कंपनी बनाएगा, एक कंपनी में 18-19 का डाटा रहेगा और एक कंपनी में 19-20 का। आप चाहते हो कि नहीं, एक कंपनी बने जिसमें पुराने ईयर का डाटा अलग हो जाए और दूसरी कंपनी में आपका नया वाला डाटा भी रहे और पुराना वाला भी डाटा रहे, देन आप इसका यूज करें। अदरवाइज आप चाहते हो कि दोनों सेपरेट बन जाए, देन क्लिक करना आफ्टर स्प्लिटिंग डिलीट फाइनेंशियल ईयर इस पे। जैसे ही करेंगे एक मैसेज आएगा, उस मैसेज को पढ़ेंगे देन प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर दो कंपनियां दिखेंगी। अब एडवांस कोर्स दिस जो मैंने पहले बनाई थी और दिस ये वाली, और देखिए एक 19-20 अलग हो गया और एक 18-19 अलग हो गया। तो आप इस तरीके से अपने कंपनी के फाइनेंशियल ईयर को अलग अलग कर सकते हैं। ये स्पीड फाइनेंशियल ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप नए ईयर में जाएंगे, मतलब 1 अप्रैल को आएंगे, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है डिलीट कंपनी। डिलीट कंपनी से मोटिव क्या है, कंपनी को डिलीट करने की बात कर रहा है, सिंपल समझ में आता है। जब आप इस कंपनी पे क्लिक करोगे तो आपके दो मैसेज आएंगे, आपने इस पासवर्ड यूजर डालोगे तो आपसे पूछेगा यू हैव डू नॉट हैव अथॉरिटी टू डिलीट दिस कंपनी। जब भी आप किसी कंपनी को डिलीट करें तो उस कंपनी का जेन्युइन पासवर्ड यूजर डालें, और जैसे एंटर करेंगे वो आपसे मैसेज आएगा डाटा डिक्लेरेशन का, आप उसको पढ़ेंगे एंड देन डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट कर दे, सिंपल सा डिलीट हो जाएगा। इन केस अगर आपको कंपनी का पासवर्ड यूजर भी नहीं पता और कंपनी को डिलीट करना, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, मैसेज सेम आया कि आप यू हैव नॉट अथॉरिटी टू डिलीट दिस कंपनी। अगर आपको कंपनी का पासवर्ड यूजर नहीं पता है देन कंपनी आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सिंपल आप कंपनी का कोड देखिए कितना है, COMP 008, ठीक है, डिलीट होगी एंड एंटर मारेंगे। नहीं, आप कंट्रोल ई दबाइए, कंट्रोल ई दबाने से आपका माई कंप्यूटर ऑन होगा। आपने माई कंप्यूटर ऑन करा, सेम लोकेशन पे जाइए, सेम लोकेशन पे जाइए, सेम लोकेशन पे गए, फिर इस डेट को सिलेक्ट कीजिए एंड देन कोड नंबर 8, और इसको आप डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो गया। जैसी कंपनी यहां से डिलीट होगी आपके बीजी से भी वो कंपनी अब गायब हो जाएगी। तो इस तरीके से, अगर जिस कंपनी का आपको पासवर्ड यूजर नहीं पता आप उस कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका सिंपल सा मोटिव है, आप इसको डिलीट, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बीजी से कोई कंपनी डिलीट करना चाहते हैं इन केस, तो आप लोग ना माय कंप्यूटर से डिलीट करना, बीजी से मत करना, क्योंकि माय कंप्यूटर से डिलीट की गई कंपनी आपको रिसाइकल बिन में मिल जाएगी, रिसाइकल बिन की जगह आपको रैम में मिल जाएगी। बट अगर आप बीजी से डिलीट करते हैं तो वो डाटा परमानेंटली डिलीट होता है, वो रिकवर भी नहीं होता। तो मेरे लिए यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बीजी का डाटा डिलीट करना चाहते हैं तो फर्स्ट गो टू माय कंप्यूटर एंड देन डिलीट, आपको बीजी से नहीं करना है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है री इंडेक्स डाटाबेस, इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या होता है री इंडेक्स डाटाबेस, क्यों करते हैं री इंडेक्स डाटाबेस? कभी कभी कंपनियों में ना वायरस आ जाते हैं। वायरस कैसे, मतलब कि आपकी पीसी में वायरस था, उस पास वायरस आपका कंप्यूटर में आ गया, आप चाहते हैं कि उस कंपनी के जो वायरस है उसको सही करना या उस वायरस को हटाना। या कभी कभी क्या होता है, जब हम ओपन कंपनी करते हैं मैसेज आता है, लिखा होता है रन टाइम एरर, योर कंपनी हैज बीन क्लोज, वो कंपनी बंद कर देता है साथ साथ। मैं चाहता हूँ उस एरर को ठीक करना, उस वायरस को हटाने के लिए, तो आप आएंगे री इंडेक्स पे। याद रखना, जब कंपनी ओपन नहीं हो रही आप स्टार्ट पे जाते हो और कंपनी ओपन करना चाहते हैं, देन ये कंपनी ओपन नहीं हो रही तो आप आएंगे री इंडेक्स पे।
जैसे ही क्लिक करेंगे ना, यहाँ से आपसे पूछेगा और एक मैसेज आएगा, प्लीज टेक। हाँ हेलो, बोलो शालू। मेरे कहने का मतलब ये कि रीइंडेक्स डेटाबेस का मोटिव यही है, सिंपल सा, कि कभी आप कंपनी ओपन करने जाओ और एक मैसेज आए रन टाइम एरर, और एरर का एक नंबर मिले कि 3204, 3201, इस तरीके के मैसेज आए, तो आप कुछ नहीं करना, पहले उस डाटा का बैकअप ले लेना, लेके रख लेना, देन आना इंडेक्स डाटाबेस पे, जी उस पर क्लिक करना, एक मैसेज आएगा प्लीज टेक बैकअप। वो आपको बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑपरेशन वी एडवाइज टू टेक दिस बैकअप ऑफ कंपनी, वो आपको एडवाइज कर रहा है कि आप इस कंपनी का बैकअप ले लीजिए, इनकेस अगर कुछ होता है तो डाटा हम रिकवर नहीं कराएंगे, तो आप जब भी इस काम को करें प्लीज बैकअप ले लीजिए एंड एंटर मारिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी कंपनी का ना जो इसके अंदर अनवांटेड एरर होंगे, एरर को खत्म करना शुरू कर देगा, और जब वो एरर सारी खत्म हो जाएंगी एक मैसेज मिलेगा, डाटाबेस रीइंडेक्स, ठीक है, डाटाबेस रीइंडेक्स सक्सेसफुली फॉर दिस कंपनी एंड रीइंडेक्स। तो आप इस तरीके से इसका यूज भी कर सकते हैं, जी समझ में आया? इसका यूज कब करना है आपको, कोई प्रॉब्लम इसमें? दिखाए एरर, देखो एरर तब मोस्टली आती है जब आपके सिस्टम में कोई वायरस आ जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, उस जगह आपको एरर आएगी, जब अगर आपका सिस्टम सही से परफॉर्म कर रहा है तो एरर नहीं देगा, ठीक है? अगर सिस्टम पे एंटीवायरस डाला है तब भी बिल्कुल आ जाती, कभी कभी आपको पता है मार्केट में रैनसमवेयर वायरस चल रहा है, वो कोई किल भी उसको रीड नहीं कर पाता, और बड़ी बड़ी कंपनियों का डाटा भी उसको रैनसमवेयर से खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, उस डाटा को रिकवर नहीं कर पाए वो लोग, कोई के लिए इतना बड़ा प्रोडक्ट नहीं कि ऐसे वायरस को कैप्चर करके रख लें। हो सका हम तो छोटे वायरस की बात करें जो कोई के लिए नहीं कैच कर पाया, और वो बिजी कंपनी के अंदर आ गया और कंपनी का डाटा खराब हो गया। अगर इनकेस आपको डाटा ठीक करना है तो रीइंडेक्स डाटाबेस सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है? एंड सेकेंड टॉपिक आता है ओके कन्वर्ट डाटा टू ओल्ड स्ट्रक्चर। क्या होता है ये ओल्ड स्ट्रक्चर, क्या मतलब इसका ओल्ड स्ट्रक्चर का, आपने कभी सोचा किसी ने? इस ओल्ड स्ट्रक्चर का मतलब ये है, ओल्ड स्ट्रक्चर का मतलब ये कि जब आप कंपनी बनाते हैं ना, माई कंप्यूटर में जाके जिस लोकेशन पे आपकी कंपनी बनती है, उस कंपनी के अंदर ना जो कोड होता है CMP0, इसके अंदर दो फाइलें होती हैं, एक होती है BDS फाइल, BDS फाइल। BDS फाइल इज अ नोटपैड फाइल होती है, लेकिन आप चाहते हो कि इस फाइल को आप MDB फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसमें? MDB का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस। इसका मोटिव क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एक MD मैंने इसको सेम रखा और एक को MDB कर दिया। MDB का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस। पता है शालू क्या होता है, जब बिजी कंपनी बनती है ना, ये जो बिजी आप देख रहे हो रियल में एक बिजी एक तरह का फॉर्म है। क्या है? फॉर्म है, वो आपको बोलते हैं यहाँ यहाँ एंट्री करो बस, लेकिन जो आपका डाटा स्टोर होता है वो एक्सिस फॉर्मेट में होता है। डाटा स्टोर करने की ये चीज है, वो खाली आपको दिखाता है कि आप इस जगह क्लिक करोगे तो डाटा सेव होगा, इस तरीके से देखो तो लिस्ट आएगा, लेकिन इसके बैकएंड में ना एक्सेस काम कर रहा है, और वो कहता है कि जो वहां पर यूजर टाइप करेगा वो मैं अपने पास स्टोर कर लूंगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है, बहुत से लोग ना इसको समझते हैं, वो MDB कर देते हैं और नीचे वाले को BDS को नहीं कन्वर्ट करते हैं। बिजी कहता है कि जब भी बिजी पे आप ओपन करेंगे कंपनी तो आप एरर दिखाएगा, जैसे क्लिक करेंगे एक मैसेज आएगा, सम ऑफ द कंपनी फोल्डर कंटेन बोथ न्यू एंड ओल्ड टाइप ऑफ फाइल स्ट्रक्चर। वो कह रहा है कि इस कंपनी के अंदर इस कोड की दो तरह की फाइल है, एक MDB फॉर्मेट में, एक BDS फॉर्मेट में। वो कहता है या तो सब दोनों फाइलों को MDB फॉर्मेट में कर दो या दोनों फाइलों को BDS फॉर्मेट में कर दो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं वहां जाकर ठीक करूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल आऊंगा कन्वर्ट डाटा टू ओल्ड स्ट्रक्चर, जैसे ही एंटर मारूंगा और ओके करूंगा तो सारी कंपनी को डाटा को किस में कर देगा, या तो MDB फॉर्मेट में कर देगा या आपका BDS फॉर्मेट में कर देगा। तो आप इस तरीके से अपनी कंपनी के डाटा को कर सकते हैं। याद रखना कि अगर एक जगह आपने BDS कर दिया और दूसरी जगह MDBS रखा हुआ है, आप चाहते हो कि मुझे वहां से नहीं करना, तो आप यहाँ पर पहले इसको कन्वर्ट डाटा स्ट्रक्चर बोलें,
एंड देन उसके बाद उसको कन्वर्ट करके यूज कर लीजिए, ठीक है? आगे समझ में टॉपिक? आरिफ, कमल, सर दोबारा बता दीजिए। दोबारा भी मैं रिपीट कर देता हूं। कमल, आगे समझ में? हाँ जी सर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टैट डाटा डायरेक्टिव। ये आप लोग बिल्कुल जानते हैं, इस टॉपिक में कोई फर्क नहीं है, ना ही आप लोगों को टॉपिक बताने वाला है इसमें। स्टैट डाटा डायरेक्टिव का मतलब एक अपनी कंपनी की लोकेशन देना, लेकिन लोकेशन देने में भी आप थोड़ा शॉर्टकट की यूज कर फास्टली काम कर सकते हैं। पता है आप सभी को, आपको अगर इस फोल्डर पे क्लिक करना है, इस फोल्डर की शॉर्टकट की है क्या कि दो बार अपने कीबोर्ड से राइट एरो, आप एरो दबा दो, दो बार जैसे ही आप एरो दबाओगे आप यहाँ पर क्लिक हो जाओगे। देखो मैं आया, मैं एंटर मारा, दो बार आप एरो दबाई, एंटर मारा, आ गया। मुझे डी ड्राइव पे जाना है, लेफ्ट एरो दबाई, फिर कौन से इस पे क्लिक करना है, एंड ओके, इससे डायरेक्टरी आ जाती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक नीचे मैसेज दिया है, अब इन्फॉर्मेशन इज वैलिड फॉर द करंट सेशन ओनली। पता है क्या होता है करंट, मतलब मैं ऐसे कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ कच्चा पक्का दोनों होता है। कभी कच्चे कंपनी चलाने के लिए दूसरी लोकेशन देता हूँ और पक्की कंपनी चलाने के लिए दूसरी लोकेशन देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कल को कोई इनकम टैक्स या किसी डिपार्टमेंट से कोई आए तो मेरी कच्चे वाली लोकेशन ना देखे। मेरी सपोज मेरी पक्की वाली लोकेशन है और कच्चे की लोकेशन मेरी डी ड्राइव है, एंटर मारा ये डी ड्राइव आ गई। मैं चाहता हूँ ये कंपनी तब तक दिखे तब तक मैं काम कर रहा हूँ, जब मैं इस कंपनी की दोबारा चेक करने हूँ तो डायरेक्टरी चेंज है। देखो मैं जैसे सेव पे क्लिक करूंगा और ओपन आऊंगा तो ओपन में दिखाएगा डी ड्राइव इसी का गारमेंट, बट मैं दोबारा मैं इस टॉपिक पे क्लिक करूंगा सेट डाटा डायरेक्टरी पे तो पुरानी लोकेशन दिखाएगा। मतलब बिजी क्या करता है, जो आप लोकेशन दोगे उसको वन टाइम तो शो कराएगा लेकिन नेक्स्ट टाइम ना आपकी पुरानी वाली दिखाएगा। तो अगर एक सेशन के लिए मतलब वन टाइम के लिए अपनी डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हैं और अगेन चाहते हैं कि मेरी लोकेशन वही हो जाए जो पहले थी, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आया समझ में? दोबारा रिपीट करना है क्या? नो सर, क्लियर है। क्लियर है, तो अगर वन टाइम देना चाहते हैं पासवर्ड देन यूज दिस। ये सिंपल था, इस बारे में आपको डिस्कस हो गया। अब सिलेक्ट बिजी मॉडल के बारे में आप जानते हैं। बिजी के तीन मॉडल होते हैं, एक बेसिक होता है, एक स्टैंडर्ड, एक एंटरप्राइज। बेसिक सॉफ्टवेयर आपको मार्केट में 7500 का मिल जाएगा, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर आपको मार्केट में 14250 रुपए का मिलेगा, एंटरप्राइज आपको 21000 का मिल जाएगा। इनके तीन सब वर्जन होते हैं, सिंगल यूजर, डबल यूजर, मल्टी यूजर। सिंगल यूजर जिसमें एक लोग काम करते हैं, ड्यूल यूजर जिसमें दो लोग काम करते हैं, मल्टी यूजर जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग काम करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक हम आता है, ठीक है, ये हमारे बेसिकली छोटे छोटे टॉपिक थे। Thank you.